नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के फंडे में। दोस्तों, यूपी TPLSC ने ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें टोटल जो पोस्ट हैं वह हैं 1953। तो चलिए अब नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या दिया है नोटिफिकेशन में, क्या इसकी योग्यता है, क्या उम्र सीमा है और TPLSC मांगा गया है कि नहीं। तो चलिए आप सीधे नोटिफिकेशन पे चलते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरें, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो हमारे चैनल पर आप बने रहें। तो चलिए अब देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ डेट दे रखी हैं कि कब से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और कब इसकी लास्ट डेट है। तो देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि जो है वो आज 30 मई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन अभी वेबसाइट स्लो है, वेबसाइट सही से चल नहीं रही है। तो उसका जो ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ होने की तिथि है वह 1 जून यानी कल से फीस जमा होगी, और इसकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वह है 25 जून, और आवेदन शुल्क जमा करने की 27 जून, और जो फाइनल फॉर्म प्रिंट करने की जो तिथि है वह है 29 जून 2018। उसके बाद देखिए ये पोस्ट दे रखी है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। तो सबसे पहले देखिए पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ में जो है वो जनरल के लिए हैं 841, और अनुसूचित जाति यानी SC के लिए हैं 296, ST के लिए हैं 20, और जो OBC के लिए वह हैं 370। टोटल जो पद हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के वह हैं 1527। उसी हिसाब से देखिए समाज कल्याण उत्तर प्रदेश यानी ग्राम विकास अधिकारी के जो पद हैं वह हैं जनरल के लिए 182, SC के लिए 76, ST के लिए 7, और OBC के लिए 97। इसमें जो टोटल पद हैं वह हैं 362। उसी हिसाब से समाज कल्याण परिपेक्षक के लिए टोटल पद हैं वो 64 हैं। तो अब देखिए इसकी जो उम्र सीमा है वो देखिए जो उम्र सीमा दे रखी है वह 18 से 40 वर्ष की उम्र सीमा दे रखी है। तो अब देखिए इसकी जो शैक्षिक योग्यता है यानी आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहले ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी आपने इंटर पास किया हो, और साथ में जो सबसे मेन बात है कि TPLSC मांगा है कि नहीं। देख लीजिए आप तीनों पोस्टों के लिए TPLSC आपका मांगा गया, यानी कि आपके पास TPLSC होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। देखिए तीनों पोस्ट चाहे वह ग्राम पंचायत अधिकारी को, ग्राम विकास अधिकारी को या समाज कल्याण पर्यवेक्षक की हो, तीनों में आप इंटरमीडिएट के साथ आपके पास TPLSC का प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो चलिए अब इसका सिलेबस पाठ्यक्रम क्या है, कैसे पेपर आएगा, वो सब देख लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है चयन का आधार लिखित परीक्षा, यानी आपका जो इसमें चयन होगा वो आपकी सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, कोई भी इंटरव्यू उसमें नहीं होगा। तो चलिए अब इसका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या है, क्या क्या पेपर में आएगा और पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो अगर पाठ्यक्रम की बात करूँ तो इसमें देखिए तीन सब्जेक्ट आपके पूछे गए हैं। सबसे पहले आपका हिंदी परिज्ञान, उसके बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य जानकारी यानी कि हिंदी रीजनिंग, और आपका GS, तीनों चीज़ें आपकी पूछी गई हैं। और GS में आपके करंट अफेयर्स लेकर आपके स्टैटिक GK सब कुछ आपसे पूछा जाएगा, और जो प्रश्नों की संख्या है वह 150 होगी, और इसके जो अंक हैं वह 300 होंगे, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, निगेटिव मार्किंग आपकी ली जाएगी, यानी कि 1/2 निगेटिव मार्किंग आपकी है। अगर आप एक प्रश्न करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और अगर आप प्रश्न को गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस के रूप में काट लिया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये तो हो गई नोटिफिकेशन की बात। तो इसका जो फॉर्म वो कैसे भरें, उसके लिए मैं वीडियो जल्द बना दूंगा। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।